सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय स्विंसी एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। वेरी बेस्ट डूड, आई होप आप लोग अच्छे रहेंगे, सेफ रहेंगे, अपने अपने घर पे रहेंगे। सो गाइस, आज का जो थंबनेल और टाइटल देखे आप लोग समझ गए होंगे आज का व्लॉग क्या है। तो आज का व्लॉग ना बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है, तो एंड टाइम देखना, बिकॉज ये व्लॉग के लिए ना मैं कम से कम 3.5 साल वेट किया हूँ कि ब्लॉग मैं कब बनाऊंगा, कब अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ एंड कब मेरे फैंस का प्यार मिलेगा मुझे। सो आज वो दिन आ चुका है जहाँ मैं जो जगह एक्सप्लोर करने के लिए मैं करीबन 3.5 साल रुका था, बट आज वो जगह हो चुकी है ओपन और मैं जाने वाला हूँ एक्सप्लोर करने वाला। तो क्या मिस्ट्री है, क्या पूरा जो भी डिटेल मैं आप लोग को बताऊँगा क्या है क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो जगह है जहाँ मैं एक्सप्लोर करने जाने वाला हूँ वो खुलने वाली है शाम के 5 बजे और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2। अभी मैं सो के उठा हूँ जैसे आप लोग मुझे देख सकते हो, तो मैं फिलहाल रेडी कुछ नहीं हूँ। सबसे पहले जाता हूँ मैं पेट पूजा करता हूँ, खाना वगैरह खा के एंड बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी समझ के लो, बिकॉज मैं घर पे शूट कर रहा हूँ, आप लोग को बताया घर का। सो सबसे पहले मैं जाता हूँ, खाना खाता हूँ, रेडी हो जाते हैं ना, आप लोग को कुल मिला के 2.5 घंटे बाद मिलते हैं एंड चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, पूरा एंड तक वीडियो देखना बिकॉज आप लोग को बहुत मजा आएगा। एंड हाँ, नए हो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। सो वही चलता हूँ, फ्रेश होता हूँ एंड देन मिलता हूँ। सो फाइनली गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी जैसा आप लोग मुझे देख सकते हो। सो अभी फिलहाल निकलते हैं जहाँ हम लोग को जाना है लोकेशन पे, एंड ऑलरेडी मैं हो चुका हूँ 30 मिनट लेट पहले से, बिकॉज हम लोग को निकलना था 4:30 को, 4:30 को, बट हम लोग निकल रहे 5 बजे। 5 बजे वो ओपन होता है जहाँ मुझे जाना है एंड करीबन आधा घंटा लगता है वहाँ पहुँचने के लिए, तो मिनिमम 5:30 तो हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता जो उजाला आप लोग देख सकते हो वो सनसेट हो जाए और अंधेरा हो जाए, तो फिर वीडियो अच्छी नहीं आएगी, इसलिए फटाफट चलते एंड देखते। सो वही चलते एंड देखते। तो नीचे उतरते हुए मुझे दिख गई है बिल्ली, सो मेरे बिल्डिंग में चल रही है। बाय बाय, मैं चलो सब्सक्राइब करना जरूर, सोहेल ज़िहन सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ हाँ, सोहेल ज़िहन, बाय बाय। ओके, सो आउट ऑफ फोकस। सो गाइस, फाइनली बहुत मेहनत के बाद, मतलब कुल मिला के आधे घंटे बाद मैं पहुंच चुका हूँ वंडर्स पर, इसे पीछे मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो। एंड बहुत से लोग जानना चाहते थे, मैं एकदम इंट्रो में बोला था कि मैं 3.5 साल से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे आने का, बिकॉज ना ये 3.5 साल से ना बिल्ड हो रहा है, मतलब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर थे ना वो वापस बन रहे, तो मतलब बिल्ड हो रहा था 3.5 साल से। मतलब मेरा प्लान था कि मैं आऊँगा यहाँ पे ब्लॉग शूट करूँगा, बहुत पहले सोच लिया था, बट ये बंद रहा था, इसकी वजह से मैं बहुत बार आया था यहाँ पे, बट मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था बिकॉज ये बंद रहा था। बट अभी बन के हो चुका है रेडी एंड वहाँ पे आप लोग इतनी गर्दी देख सकते हो, वहाँ पे जो है वहाँ पे टिकट मिलती है, तो टिकट परचेज करना पड़ता है, मेरे ख्याल से कुछ 50-50 रुपीस लेते हैं। तो फिलहाल मैं फैमिली के साथ आया हूँ, तो जितना हो सके मैं आप लोगों को कराऊँगा एक्सप्लोर, मेरे से जितना हो सके मैं अपना 100% लूँगा। एंड मैं मास्क इसलिए पहनाना गाइस बिकॉज मैं आया हूँ ऑटो से एंड डस्ट बहुत उड़ती है एंड मुझे ना एलर्जी है, तो इसलिए मैं मास्क पहनाऊँ। सो भाई, सो आप लोग भी मास्क पहनो अगर आप लोगों को भी एलर्जी है, तो सो भाई चलते अंदर एंड देखते हैं जो मेरा। ओके, सो फाइनली गाइस, हम लोग की एंट्री हो चुकी है, मैं एंट्री कर चुका हूँ। यहाँ की जो फीस है ना, एंट्री फीस, वो 35 रुपीज़ है मेरे पास है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। एंड एंट्री के साथ ही ना गाइस, मैंने कुछ देखा हुआ, आप लोग यकीन नहीं करो, जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये छोटा भीम के स्ट्रक्चर है, आप लोगों को पता है कालिया बहुत फेमस है, वो फेमस कैरेक्टर है छोटा भीम का। एंड यहाँ पे पहले ना अलग स्ट्रक्चर था और अभी अलग स्ट्रक्चर है। एंड जैसे मुझे लगा था कि 550 रुपीज़ होगी एंट्री फीस, बिकॉज इससे पहले ना 25 रुपीज़ एंट्री फीस थी, बट अभी 35 रुपीज़ एंट्री फीस है, तो बहुत अच्छा है। मतलब आप लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, कपल गोल्स है तो कपल्स के साथ आ सकते हो, या अकेले भी आ सकते हो, बहुत इन्जॉयमेंट है। एंड बहुत सारी राइड्स भी अभी चेंज हुई है इससे पहले, सो अभी तो फिलहाल ये एंट्रेंस है। एंड वहाँ पे ना पीछे सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, उसकी भी इंशाल्लाह मैं सिनेमैटिक बनाऊंगा, अगर हो सके तो मैं डालूंगा, वो देख लेना, एंजॉय करना। एंड जब मैं आ रहा था तो मैं सिनेमैटिक इसने नहीं लिया बिकॉज ना मैं बहुत गाय गाय में, तब तो सिनेमैटिक लेना भूल गया था। सो अभी फिलहाल चलते एक्सप्लोर करते एंड इंजॉय करते। सो भाई पढ़ने रहो वीडियो में। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो ट्रेन है छोटे बच्चे लोग की, और यहाँ इसमें बड़े भी बैठ सकते हैं, ऐसे नहीं कि छोटे ही बैठ सकते हैं। इसमें हम लोग पहले जब मैं छोटा था ना तो बहुत इन्जॉय करता था यहाँ पर आके। टॉय ट्रेन आप लोग देख सकते हो, और टॉय ट्रेन की फेयर क्या रहेगी, टॉय ट्रेन की फेयर मिनिमम कुछ रहेगा 50-60 रुपीज़ 1% का, पर बहुत, पर ये आपको ना ऐसा नहीं कि छोटा सा, या आपको ना पूरा ग्राउंड, मतलब पूरा राउंड यहाँ से लेके जहाँ, मतलब वो वहाँ तक पूरा ऐसा राउंड घुमा के ला के वापस यहाँ छोड़ेगा, मतलब मिनिमम 15-20 मिनट की राइड है ये, बहुत मज़ा आती है इसमें। और उसके बाद वहाँ पे देख सकते हो पूरा
अम्यूजमेंट पार्क की तरह है यार, बहुत क्रेजी है। तो एंट्रेंस में ही इतना मिलना है एंड वहाँ पे ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, आप लोग देख सकते हो, बहुत क्रेजी। एंड यहाँ पे ना वंडर्स पार्क का मैप दिया हुआ है, तो आप लोग को मैं बता दूँ, जो टॉय ट्रेन है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है एंड ये पूरी जगह ऐसा पूरी जगह पूरा घूमने के बाद वापस यहाँ पे आके रुकती है, और बहुत क्रेजी है। एंड सामने आप लोग देख सकते हो यार, बहुत सुपर, बहुत सुपर। एंड एक तरह से मज़ा भी बहुत आ रहा है और अलग एक्सपीरियंस, मतलब 3.5 साल बाद आना, मतलब जब मैं छोटा था लास्ट टाइम मैं तभी आया था, उसके बाद में अभी आ रहा हूँ, तो बहुत ही अलग बात है। सो मैं बहुत बार बोल चुका आई थिंक सो ये बात। सो चलते आगे देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ अम्यूज़मेंट पार्क की तरफ, बिकॉज मुझे देखना है क्या क्या राइड चेंज हुई है, बिकॉज जब मैं पहले आया था तो इतनी खास राइड नहीं थी, बट मेरे ख्याल से चेंज होने के बाद रहेगी राइड। सो चलते हैं देखते हैं। यहाँ से शुरू होते हैं अम्यूज़मेंट पार्क, वहाँ पे बड़ा झूला देख सकते हैं, उसके बाद रोलर कोस्टर तो शायद हटा दिए यहाँ से, लास्ट टाइम पे रोलर कोस्टर था। एंड जो मॉल में रहता है ना, बहुत मशहूर कसरी क्या था, कार ट्रैक, आई डोंट थिंक सो, कार ट्रैक नाम भूल गया मैं, ये जो भी गेम है आप लोग को बताता हूँ नज़दीक जाके, कार क्रैश, सॉरी, जो कार एक साथ चलती है क्रैश होती है ना, वो गेम है आई थिंक सो, हाँ आई थिंक सो, नहीं वही गेम है, ओके हाँ वही गेम है। ये भी नहीं था यहाँ पे, ये अभी डेवलप हुआ है, मतलब जब मैं आया था लास्ट टाइम तो अम्यूज़मेंट पार्क में खाली ये चीज़ देखा था, मैं ये चीज़ अभी देख रहा हूँ। सो वही संभाल के जाना पड़ रहा है, बिकॉज मेरे वाइट जूते देख सकते हो, ये वाला, मुझे गेम का नाम अच्छे से याद नहीं है, बट मैं इसको कार क्रैश बोलता हूँ, कि मैंने एक माइंड सेट बिठा दिया कि मैं इसको कार क्रैश ही बोलूँगा, तो कार क्रैश ही मैं बोलता हूँ। हाँ सो आप लोग हंसना मत। और यहाँ पे ना वंडर्स पार्क इसलिए बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे ना 7 अजूबे एक मतलब कंस्ट्रक्ट हुए और एक बिल्ड हुए, 7 अजूबे आप लोग को दिखेंगे यहाँ पे। तो एक अजूबा जो है ताजमहल, जो बहुत फेमस अजूबा है वन एंड ओनली, सो वहाँ पे है सामने सामने। मैं आप लोग को इसलिए नहीं बता रहा, बिकॉज वहाँ पे एक लड़की फोटोशूट कर रही है, तो समझो। उसके बाद ये देख सकते हो, ये रहा हमारा ताजमहल, बहुत प्यारा है, और जो उसका जो कंस्ट्रक्ट हुआ है ना, जो बिल्ड हुआ है ना, बहुत कूल लग रहा है डूड, क्या प्यारा लग रहा है, देख सकते हो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वहाँ पर है, भी बता दूंगा मैं आप लोग को। उसके बाद मतलब लाइन से 7 अजूबे आप लोगों को मैं एक एक कवर कराता हूँ। रहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, देख सकते हो बहुत प्यारा बिल्ट है ये वाला भी, स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है यार, डूड बहुत कूल लगा। उसके बाद आता है ये वाला स्ट्रक्चर, सो देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, ये तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बता दिया था। इसके बाद ये है पेट्रा अल क्या खंजे, सॉरी वहाँ पे लिखा भी नहीं है, अल खजने, ओके। सो आप लोग देख सकते हो बहुत प्यारा, इसको भी बहुत अच्छे से बिल्ड किया हुआ है यार, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और मतलब आप लोग को 7 अजूबे नई मुंबई में ही देखने मिल जाएगी, तो इतना खर्चा करके वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है यार। उसके बाद आता है देख सकते हो क्लॉसम्स, ओके। सो ये वाला देख लो, ये वाला भी बहुत प्यारा बिल्ड है। तो मेरे ख्याल से ना ये बिल्ड नहीं है, इसको ये स्ट्रक्चर को ना ऐसे ही रखा गया था, और जो बाकी के अंदर थोड़े चेंजेस किए गए थे वो चेंजेस किए, स्ट्रक्चर वैसे ही था। और एक स्ट्रक्चर है जो मेरे सामने है, जिसका नाम मैं पढ़ता हूँ बेटा। बात आता है चिकन इट्सा, ओके, चिकन ये चिकन इट्सा है आप लोग बहुत से लोग बोलोगे। तो ये स्ट्रक्चर देख लो, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर ये भी लग रहा है। एंड रात में जब यहाँ पे लाइटनिंग जलती है ना डूड, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लाइट लगी, जब रात में जलती ना बाहर, 7 अजूबे बहुत क्रेज दिखते। और मैं तो अब तक यही देखा हूँ, वहाँ पे भी एक अजूबा है, तो वहाँ पे कपल्स है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बट रात में आप लोग को सब कवर कराऊँगा। अगर मैं आप लोग को अभी ही कवर करा दिया सब, तो क्या मज़ा आएगा। जैसे मैं बोलता अम्यूज़मेंट पार्क अंदर, तो अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर जाते हैं, देखते क्या है, क्या सीन नहीं है। सामने ही एक देख सकते हो दिख रहा है मुझे, यहाँ से ही एंट्री है। सो चलते हैं एंड देखते हैं। गाइस अभी मैं फाइनली जा रहा हूँ राइट पे, और अंधेरा होने आया है और मेरी वीडियो की क्वालिटी गिर रही है, इसलिए मैं जल्दी आने का सोचा था, बट घर से ही लेट हो गया। एंड यहाँ पे लोग मुझे इतना घूर रहे, मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, लिटरली बहुत घूर रहे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ मैं, और मतलब ऐसा मतलब अंदर से नर्वस भी हूँ, बिकॉज मैं ऐसे सब फर्स्ट टाइम आया हूँ। सो आई डोंट थिंक सो
सो राइड के लिए ना मैं टिकट्स लेने आया हूँ, मतलब यहाँ पे कोई भी राइड ले लो 25 rupees है पर पर्सन। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं एंड शूट करते हैं। एंड वैसे तो अंधेरा हो चुका है, समझ नहीं आ रहा है। सो वहाँ पे है, ओके सो वहाँ पे है टिकट, ओके सो टिकट लेता हूँ एंड राइड इंजॉय करते हैं। एंड ये राइड ना जब मैं स्कूल से पिकनिक गया था ना, मैं तब इंजॉय किया था, मैं बहुत छोटा था, आई थिंक सो मेस्को से गया था एंड मैं मेस्को पब्लिश कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो हाँ गाइस, मैं एक बता दूँ, मैं अपनी जो है स्टडीज 10th तक मेस्को में कम्प्लीट किया था, जो है लोकेटेड इन मुमरा। सो टिकट लेता हूँ, आपको मिलता हूँ यहाँ पे फोटो शूट करना। कार टिकट लेने के बाद 10-15 मिनट लाइन में खड़े रहने के बाद टिकट फाइनली मिल चुकी है और एक टिकट की प्राइस है 25 rupees जैसे मैंने बोला था। एंड मुझे तो मतलब था ऐसा कि मुझे जाना है जाना है, तो मैंने परचेज़ कर लिया। बोलते हैं कभी कभार बचपना करना चाहिए यार, थोड़ा तो इन्जॉयमेंट करना चाहिए, लाइफ एक ही है, कब फिर मिलेंगे क्या पता। सो भाई चलते हैं इन्जॉय करते, तो आप लोग सिनेमेटिक इन्जॉय करना एंड अगर मैं चिल्लाया तो इग्नोर करना बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं जो छोटा तब गया था, अभी बच्चे नहीं बड़े हो गए तो अभी इतना तो समझ है। सुबह चलते एंड देखते हैं। राइड कंप्लीट हो चुकी है मेरी एंड बहुत मज़ा आया, मतलब बचपन के बाद आज मैं बैठा हूँ राइड में। नो टिकट मुझे वापस मिला है, मतलब वापस नहीं मिला लेकिन बस एक टिकट है मेरे पास, एक टिकट है लोग कट करके दे दिए मुझे एंड इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, बहुत हाइट पे गया था डूड एंड वहाँ से नवी मुंबई का पूरा सीन नहीं करा था। एंड अगर आप लोग को यहाँ पे आना है अपनी फैमिली के साथ ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस वगैरह छोड़ दूँगा, कैसे आना है कैसे नहीं आना वो भी आप लोग को गूगल मैप आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद है आसमानी झूला, जो हम लोग की फैमिली में बोलते हैं ये झूला, जो बहुत ज़्यादा क्रेजी है बट मैं इसमें नहीं जाऊँगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत बार जा चुके हैं इसमें, तो इसमें नहीं जाएंगे। तो अभी चलते हैं टॉय ट्रेन में जो है 25 rupees की, सॉरी चलते हैं उसमें, देखते किसमें जाते हैं। टॉय ट्रेन में बोला तो हूँ, देखते क्या है क्या सीन, सुबह चलते हैं देखते हैं। एक ना इस साइड आया, इस साइड पे भी राइड्स है, मेरे पीछे ना गार्डन है जहाँ पे फैमिली के साथ आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। और मेरे पीछे एक और रोलर कोस्टर राइड है, बट एक बच्चे लोग के लिए है, बड़े लोग के लिए नहीं है, वही एक दुख है। पार्क जोर से बोलना पड़ रहा है मेरे को बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज आ रही है एंड यहाँ पे आप लोग फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड अभी आ चुका हूँ मैं तालाब के पास, तो वो बताता हूँ आपको रोड का। सो रूट देख सकते हो बहुत क्रेजी एंड बहुत प्यारा, रात के टाइम पे वहाँ पे लाइट जलती है आप लोग देख सकते हो, मतलब ना मंडस पार्क बहुत बड़ा। अगर मैं बताने जाऊँगा ना आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग, मैं आपको बताने गया और रात हो चुकी है और सनसेट भी हो चुका है, फिर भी मैं आप लोगों को बताया जा रहा हूँ बिकॉज इतना बड़ा है ना डूड, वही सांस फूल रही है, मतलब इतना बड़ा है ना, चल चल के मैं खुद थक गया हूँ, बहुत बड़ा है। तो बहुत मज़ा आया आज का दिन तो मुझे, पर व्लॉग एंड नहीं करूँगा, और भी बहुत कुछ है जो आप लोगों को दिखाना बाकी है अभी, तो एंड तक बने रहो वो भी देखो। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो फटफट एंड बेल आइकन हिट करो, तुम्हारा भाई ऐसी अमेजिंग वीडियो लाता है रहता है। एंड वो जो झूले का एक्सपीरियंस था ना बहुत क्रेजी, गाइस 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 आसमानी झूला आप लोग देख सकते हो, इसमें तोरण लगी हुई है, बहुत क्रेजी लग रहा है डूड, सिनेमेटिक लेता हुआ का उसको इन्जॉय करो, उसके बाद आगे चलते हैं देखते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है मास्क की, अगर अंदर आ चुके हैं, मैं लगाया था तो मैं भूल गया हटाने के लिए। सो वहाँ पे गार्डन साइड है, वहाँ पे आप लोग फैमिली साथ एंजॉय कर सकते हो, मैं आप लोग को बताया वहाँ जाके, वहाँ पे सनसेट वगैरह आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे ना फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो। और इस साइड ना सब स्लाइड्स वगैरह आप लोग देख सकते हो, जैसे ये हो गई है एक स्लाइड, दो तीन चार, चार स्लाइड ही है और जो बाकी स्लाइड थी वो यहाँ से ना निकाल दी गई है, कुछ सिचुएशन हो गया था यहाँ पे, कुछ इंसिडेंट हो गया था, बहुत से लोगों से मैं पूछा कि इतनी राइड्स क्यों कम हुई, जहाँ जो आपकी सिक्योरिटी, उनने बोले कुछ इंसिडेंट हो गया था सर, इस वजह से यहाँ से जो
थोड़ी बहुत राइट थी वो निकाल दी गई है एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेड है यहाँ पे। मतलब जो पहले यहाँ पे गार्डन है वो यहाँ पे था बट वहाँ शिफ्ट कर चुके हैं। मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस है यार, बहुत कुछ चेंज हो चुका है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो अभी तो फिलहाल इस साइड ही मैं घूम रहा हूँ बिकॉज ना मुझे ना मेरा बचपना याद आ रहा है अभी भी कि हम लोग छोटे थे, हम लोग आते थे। सो भाई वो सब चले जा, बड़े हो चुके तो व्लॉगिंग करेंगे डूड, व्लॉगिंग। सो मैं व्लॉग में एक्सप्लोर करा रहा हूँ मेरा पूरा चाइल्डहुड, मेरा जो चाइल्डहुड है पूरा नवी मुंबई में गया बिकॉज मेरा होम टाउन वो ही नवी मुंबई है। सो भाई चलते हैं उस साइड एंड देखते हैं यहाँ पे कैसे अंधेरा है। तो मे बी यहाँ से ना उस साइड जाने का रास्ता है बिकॉज मैं हर जगह देखा वहाँ से जाने का रास्ता ना मतलब पानी के बीचों बीच से है, फिर वो उधर लंबा मार के है बट ये शॉर्टकट है। चलते हैं देखते हैं डूड। सो वही बट मेरे ख्याल से यहाँ से भी रास्ता नोप मेरे को तो दिख रहा नहीं है, है यहाँ से है, यहाँ से है जाने के लिए। सो चलते हैं देखते हैं। ओके गाइस सो मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख लो जो दोनों हाथ में एक बॉल पकड़ा हुआ है एंड फव्वारा की तरह से पानी निकल रहा है, बहुत प्यार लग रहा है। यहाँ पे लाइटनिंग रहती है बट अभी लाइटनिंग नहीं है, आप लोग देख सकते हो, पर फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है। सो क्रेजी डूड, बहुत सेक्सी लग रहा है यार। यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह रहती है बट अभी लाइटनिंग नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बट जब भी मैं व्लॉग शूट करने का सोचता हूँ ना यार रात हो जाती है, रात में ना व्लॉग की क्लियरिटी चल देती है। तो अभी पचपच चलते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से हो चुका है बट फिर भी चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। मैंने बोला था रात में स्ट्रक्चर के पास जलती है लाइट, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइन से 7 बजे सातों में लाइट जल रही है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंड यहाँ पे ना बैठना अलाउड नहीं करते बिकॉज स्ट्रक्चर है, तो वो लेडी जो है वो विसल मार रही है बिकॉज अलाउड नहीं यहाँ पे। और बहुत मज़ा आया आज वंडर्स पार्क एक्सप्लोर करके। सो मैं तो यही बोलूँगा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत बेस्ट लोकेशन है वंडर्स पार्क, स्पॉटेड है नई मुंबई में। जो भी एड्रेस रहेगा, जो भी इंक्वायरी रहेगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंट्री फीस खाली 35 रुपये और कोई भी आपको स्लाइड में जाना है सो 25 रुपये एक स्लाइड का है। सो अभी फिलहाल तो यहाँ पे 4 से 5 स्लाइड है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। सो बहुत मज़ा आया। सो मैं ये ब्लॉग यही एंड करूँगा बिकॉज आज का दिन बहुत थका हुआ गया है बिकॉज ये वंडर्स पार्क बहुत बड़ा है, मैं जितना मुझसे हुआ मैं उतना एक्सप्लोर किया। अभी थोड़ा फैमिली टाइम करना है, मुझे यार पर्सनल लाइफ भी रहती है सबकी, सो मुझे वो स्पेंड करना है। सो ब्लॉग एंड करते, सो आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा। सो मिलेंगे न्यू ब्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ, लेट्स स्टे सेक्सी, बाय बाय।